संजय सर, हेलो, गुड इवनिंग। संजय सर, हेलो, गुड इवनिंग। संजय सर, हेलो, गुड इवनिंग। चलो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो, 8:30 बजे हम लोग स्टार्ट। डेली का ये लाइव सेशन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। डेली सबके संजय लिए चलेगा। सर, हेलो, गुड दिन भर में इवनिंग। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो वो शाम में पूछ के क्लियर कर जाएगा, बात अच्छे से सो भी चलो जल्दी जाएगा। जल्दी ज्वाइन कर अगर लो, कोई 8:30 बजे वीडियो नेक्स्ट। देखेगा तो अच्छा है। डेली का ये लाइव सेशन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। डेली सबके संजय लिए चलेगा। सर, हेलो, गुड दिन भर में अगर इवनिंग। किसी को कोई क्वेरी है तो वो शाम में पूछ के क्लियर कर जाएगा, क्लियर होने के बाद अच्छे से सो भी चलो जल्दी जाएगा। जल्दी ज्वाइन कर अगर लो, कोई 8:30 बजे वीडियो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखेगा तो अच्छा है। विशाल सर कैसा है एनालिसिस? अगर राइट है तो खुद पे पहले कॉन्फिडेंस रखना सीखिए। कोई ड्राइवर जब कार चलाता है ना, तो कार चलाते वक्त उसका खुद पे भरोसा रहना चाहिए कि अगर वो जा रहा है रास्ते से और कोई सामने से कोई चीज़ आ जाए तो वो दरवाज़ा खोल के जम नहीं कर देगा। उसको पता है क्या करना है, कैसे ब्रेक अप्लाई करना है और हैंड ब्रेक कैसे खींचना है, गाड़ी को कंट्रोल कैसे करना है, स्टीयरिंग भी है अपने हाथ में। तो ये सब चीज़ें जो है ये आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। ये तब तक आप नहीं कर सकते, मतलब तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकते इससे। तो ये खुद पे भरोसा करना सीख लीजिए सबसे पहले। जी अगर तब तक कुछ एनालिसिस मुझे दिखता है कोई सही से, ये देखिए, ये एक मैंने ड्रॉ करके रखा था, बहुत टाइम पहले मैंने ये ड्रॉ किया लग रहा है, और बहुत ही परफेक्ट ब्रेकआउट हमें यहाँ पे दिख रहा है। इसे एक तो हम लोग डायरेक्टली वेज पैटर्न भी कह सकते हैं, या फिर ये लाइन को अगर नहीं भी कंसिडर करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड लाइन बन रही थी कि जो सही तरीके से यहाँ पर मुझे ब्रेकआउट मिला। और ये देखिए ब्रेकआउट कैंडल देखिए, मैं जो वॉल्यूम की बात करता हूँ, ये देखिए ये वाली ब्रेकआउट कैंडल देखिए, ये ब्रेकआउट कैंडल बहुत अच्छे से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है वॉल्यूम के साथ। और ये ब्रेकआउट के बाद 6645 से लेके 6825, 180 पॉइंट्स का यहाँ पे आपको टोटल हाइक दिख रहा है, एक 3 से 4 सेशन में। 1 आवर कैंडल हम लोग देख रहे हैं। राइट। और उसके बाद और कोई स्टॉक में कुछ दिखता है क्या देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी की तरफ। हिंदुस्तान यूनिलीवर ब्रेकआउट दिया, स्टॉप लॉस काटे और भाग गया, बहुत सही तरीके से यहाँ पे काटे, स्टॉप लॉस काट के भाग गया। ये एक रीज़न है कि लोग कहते हैं कि प्राइस एक्शन पैटर्न में कुछ कुछ लोग कहते हैं कि उल्टा करना है कभी भी, कि जब भी कोई आपको दिखे, कि देखिए मैं जो बोलता हूँ ना, वॉल्यूम ऑब्जर्व करिए, ये देखिए यहाँ पे जब वो ब्रेकआउट दे रहा था तो कहीं पे भी नीचे मुझे वॉल्यूम नहीं दिखा। राइट। तो इसकी वजह से मैं वॉल्यूम भी फॉलो करता हूँ।
ब्रेकआउट मिला लेकिन वॉल्यूम नहीं मिला, तो भी मुझे पता चल जाता था अगर मैं ये देखता था उस टाइम पे, मैंने नहीं देखा 7th और 10th में पे, तो ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, क्रूशल था, यहाँ पे वो ब्रेकआउट नहीं मिला। और फिर आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे कैंडल से फिर भी नीचे देखिए वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा था, और फिर मिला ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट मिला काफ़ी अच्छा, 2400 लेके 2330 तक आ गया था, मतलब 70 पॉइंट तो ब्रेकआउट में दे दिया, ब्रेकडाउन में दे दिया उसने। अल्ट्राटेक सीमेंट, अब ट्रेंड चल रहा है, अभी थोड़ा सा ब्रेकआउट के पास मुझे दिख रहा है, अगर यहाँ पे कोई बिग कैंडल रेड वाला वॉल्यूम के साथ दिख जाए तो पता चल जाएगा कि अल्ट्राटेक सीमेंट नीचे जाने वाला है। एक्सिस बैंक, धनराज खाड़े सर नमस्कार। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक ने एक ऑलरेडी डाउन ट्रेंड बन रहा है, ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ये बहुत तगड़ा यहाँ पे सपोर्ट जोन दिख रहा है ये वाला। इसको थोड़ा पीछे ले जाएंगे तो देखिए ये पहले था यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन जो अभी बन चुका है सपोर्ट जोन, ब्रेकआउट के लिए वेट करिए, अगर ये जोन ब्रेकआउट नहीं होता है तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा सकता है क्योंकि वॉल्यूम सडनली फॉल हो रहा है। सो कंसोलिडेशन हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं। अजय जोशी सर, हेलो सर, सोमू सानप सर, आरती ट्रक्स, ओके। आरती ट्रक्स में तगड़ा सा यहाँ पे हमें दिख रहा था फ्लैग, और फ्लैग ब्रेकआउट भी हो गया। ये देखिए झंडा, झंडे के बाद यहाँ पे देखिए नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट, और वापस ये कंसोलिडेशन में चला गया है। ये आपको इतना जोन ब्रेकआउट के लिए वेट करना पड़ेगा, एक तो ब्रेकआउट भी हो सकता है, ब्रेकडाउन भी हो सकता है, दोनों के लिए वेट करिए। किशोर शर्मा सर, बीपीसीएल फ्यूचर, जो वो रेगुलर वाला दिखा देता है आप फ्यूचर उस पे से जज कर सकते हैं। मेरा फेवरेट पैटर्न मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मैं ड्रॉ करना। ये मेरा लेफ्ट शोल्डर, ये मेरा हेड, ये मेरा राइट शोल्डर, और ये मेरा नेक लाइन। नेक लाइन यहाँ पे ब्रेकआउट होने के कगार पे, यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट अच्छे से देगा तो काफ़ी नीचे जा सकता है। बीपीसीएल थोड़ा वेट करिए उसके लिए। उसके बाद आईओसी प्रशांत ब्रह्मभट्ट सर, यस हेलो सर, इसको मैं निकाल देता हूँ। ब्रेकआउट पर बाय करते हैं फिर फ्री कैंडल पर फिर भी लॉस हो जाता है सर, ब्रेकआउट किस तरीके से, आप कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं वो भी मुझे बताएंगे तो मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूंगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में आज क्या हुआ, आज साइडवेज चला गया एक बार ऊपर जाके। ये देखिए ये जो है ना ये पैटर्न, इसको आप इस तरह से कंसिडर कर सकते, हाई हम लोग कंसिडर कर सकते, ये राइट शोल्डर हम लोग कंसिडर कर सकते, और ये परफेक्ट परफेक्ट नेक लाइन। थोड़ा सा वेट करेंगे, कल अगर मॉर्निंग में गैप डाउन ओपन होता है तो चांसेस है कि ये नीचे जा सकता है। थोड़ा सा हाईर टाइम फ्रेम पे भी मैं आपके लिए चेक करा के देता हूँ, वन डे में क्या चल रहा है होल्डिंग्स के हिसाब से, होल्डिंग्स के हिसाब से देखिए, देखिए नीचे जाने के चांसेस क्यों है। ये देखिए रेजिस्टेंस जोन, कितना तगड़ा रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे आप देख सकते हैं, कितने बार टच दिया है, एक बार, दो बार, तीन बार, अभी फोर्थ टाइम जो दे रहा है। यहाँ पे आप देखिए कैंडल का टाइप कौन सा है, कैंडल का टाइप है 3 बार, मतलब हैमर। इसके नीचे अगर ये जाएगा, इसके लो के नीचे है ना हैमर के, बंधन बैंक कल ही बताया, डेली कुछ अपडेट नहीं होता है, थोड़ा सा गैप के साथ हम लोग देखेंगे। चलिए ठीक है, कल आप नए प्रेजेंट होते तो ये भी पॉसिबल है। दिगे सर, दिगे सर देखिए ये ऑलरेडी सपोर्ट लेवल पे है, अभी तक इसमें कुछ खास मूवमेंट नहीं दिख रहा है क्योंकि नीचे के वॉल्यूम भी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि कुछ अभी तक तो कुछ वहाँ पे नहीं दिख रहा है, राइट। ये देखिए ये छोटे छोटे कैंडल वन डे में हम लोग देख रहे हैं, ये थोड़ा ये जोन के बाहर आने दीजिए। अजय जोशी सर, आईसीआईसीआई बैंक,
आईसीआई बैंक डबल टॉप पैटर्न वन डे के हिसाब से, थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग जाके ट्रेस आउट करेंगे। ये ट्रेंड लाइन सिंपल ट्रेंड लाइन है, इसके ब्रेकआउट के लिए वेट करेंगे। इसके नीचे अगर आता है तो ये नीचे जा सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कुछ लोग इसको जो है, अभी मेरे जैसे कुछ लोग जो है ना प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, तो जो जो लोग प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं तो उन लोग का अगर कॉमन साइकोलॉजी चल गया तो वो चाहे तो एक स्टॉक गिरा भी सकते हैं, वो चाहे तो एक स्टॉक उठा भी सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कुछ लोग इसको डबल टॉप ले सकते हैं, तो थोड़ा सा वेट करिए। ये 595 का ट्रेंड लाइन है, लेवल जो है मैं आपको कहूँगा 587 के नीचे नीचे जा सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, ऑलरेडी वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, पॉसिबल है कल अगर थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे कोई सपोर्ट आसपास में नहीं दिख रहा है। हाँ ऑलरेडी कह सकते हैं ये एक बड़ा सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे चांसेस है। ये सपोर्ट जोन है बड़ा वाला, यहाँ पे वेट करना पड़ेगा आपको। ये सपोर्ट जोन 151.55, 150 के नीचे अगर जाएगा तो नीचे जा सकता है, सिंपल लॉजिक। एक हल्का सा नॉइज आपको आ सकता है, मुझे पता नहीं किस चीज़ का वो नॉइज आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किस चीज़ की वजह से वो नॉइज आ रहा है, उसको मैं मिनिमाइज करने की कोशिश करता हूँ नेक्स्ट टाइम से। सुजलॉन क्या सीन है, सुजलॉन में कुछ बचा है अभी? नहीं यार इसमें कुछ दम नहीं है, ये ऐसे कुछ फालतू चीज़ है ये। यहाँ पे बाइंग दिख रहा था उसमें एक ही दिन में, ओपन 565 हाई 615, बहुत सारा बाइंग हुआ है उसमें उस दिन। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे स्टॉक में पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें एक बार सर्किट लग जाए तो फिर आप रो दोगे, आपका पैसा निकल नहीं पाएगा, आप निकाल नहीं पाओगे, आधे भी मांगोगे तो भी निकाल नहीं पाओगे। वन मोर क्वेश्चन सर, ऑप्शन सेलर या ऑप्शन बायर कौन बेस्ट रह सकता है? मेरे मंथ 7 मंथ में तो ऑप्शन सेलर प्रॉफिटेबल होता है, ड्यू टू फंड शॉर्टेज में ऑप्शन बायर हूँ। ये जी ऑप्शन सेलर सेफ है, क्योंकि क्या है कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है बायर्स के लिए, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इरोजन, वही इरोजन एडवांटेज हो जाता है ऑप्शन सेलर्स के लिए, सो उनके लिए बेस्ट है। अच्छा दोस्तों सर आवाज़ म्यूट हो रही है आपकी बार बार, वो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, समथिंग इशू इज़ देयर इन माई माइक्रोफोन, आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट इट नेक्स्ट टाइम। सर व्हाइट चार्ट में बताइए ना, संजय वगैसिया सर। सर यार एक्चुअली कैसा है, मैं हैबिचुअल हूँ, 7 साल से मैं ब्लैक स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ, तो दैट इज़ वाई मैं वो चेंज नहीं करता हूँ। बिल जयेश नरमितवार, बैंक निफ्टी है सर, जय पटेल सर, जस्ट जस्ट मिनट, ये बेल के बाद बैंक निफ्टी और निफ्टी में आपको दिखा दूँ। बहुत सारा बाइंग इसमें हो चुका है ऑलरेडी, ये लेवल देखिए, ये रेजिस्टेंस लेवल था, जैसे रेजिस्टेंस लेवल से बाहर निकला वॉल्यूम के साथ मस्त बढ़िया से ऊपर जा रहा है, कल भी देखा था हमने ये, यहाँ पे जाके थोड़ा सा रुक गया है, इसको अगर मैं 15 मिनट में ले जाऊँ तो शायद मुझे एच एन एस पैटर्न दिखे। जी बिल्कुल हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बनता हुआ, अरे हेड, बुरी बात ये है कि हेड एंड शोल्डर ये टूट भी चुका है ये कैंडल के साथ, क्योंकि उसका वॉल्यूम भी यहाँ पे चिल्ला रहा है, तो कल अगर गैप डाउन ओपन होता है तो 56 तक ये वापस आने की कोशिश करेगा, अगर गैप अप हो जाता है वापस 76 के ऊपर, 75 के ऊपर ये गैप अप ओपन होता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगा मुझे। चलिए चलिए चलते फिर अभी बैंक निफ्टी की तरफ चले जाते हैं। ये बैंक निफ्टी ने देखिए क्या कर दिया,
जब बैंक निफ्टी ने हमने जो कल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी कल के लाइव में, वो ट्रेंड लाइन को ये देखिए यहाँ पे ये कल ऐसे टेस्ट कर रहा था ऑलरेडी, है ना। इसके नीचे ब्रेकआउट अगर एक्चुअली कैसा कंसिडर होता है, ये जो गैप्स है ना ये भी कंसिडर किए जाते हैं। हाँ क्या, ये ऐसे ये ऐसे यहाँ तक लो, फिर देखिए वापिस ये जो लाइन थी ये वाली लाइन पहले थी सपोर्ट, ब्रेकआउट के बाद ये लाइन बन जाती है रेजिस्टेंस। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो पहले यहाँ पे सपोर्ट फेस कर रहा था, पहले यहाँ पे सपोर्ट फेस कर रहा था, रेजिस्टेंस फेस करने के बाद वापस नीचे चला गया और गैप डाउन ओपन होने के बाद और नीचे चला गया। तो मे बी पॉसिबल है कि ये कल भी अगर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन करेगा तो इसी तरीके से बिहेव करेगा। मार्केट में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोग मार्केट गिराने के पीछे भी है, वेट करेंगे हम लोग क्या हो सकता है, तब एक्चुअल आपका ड्राइव स्टार्ट होगा कि कहाँ तक जाएगा। ये सपोर्ट लेवल से फॉलो हो सकते हैं 31, जैसा मैंने बोला था ना कि 32,400 का लेवल बहुत क्रूशियल है, तो वहाँ पे जाके परफेक्टली उसने सपोर्ट लिया। एक बार ये ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर थोड़ा सा डर का माहौल वहाँ पे बैंक निफ्टी में बन सकता है, तो कल हम लोग इस पे ध्यान रखेंगे। सॉरी कल की मतलब कल तो आज आपका एक्सपायरी हो गया है, कल तो ये आपका मतलब नेक्स्ट सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी बात बात में हो जाता है पकड़ पकड़। अच्छा आपने रिमाइंड कर दिया, कल ईद है तो ईद की वजह से कल मार्केट क्लोज है, आज आपका एक्सपायरी हो चुका है। एक्सपायरी के होने के बावजूद यहाँ पे कोई बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिला जो कि एक्सपेक्टेड था, जो कि एक्सपेक्टेड था। एनएचपीसी, पहले ये बैंक निफ्टी निफ्टी हम लोग देख लेते फिर हम लोग आगे की तरफ जाते हैं। ये निफ्टी का चैनल मैंने जो कल ड्रॉ किया था वो आपको दिखाने की कोशिश में करता हूँ। ये देखिए ये चैनल को कितने सही तरह से इसने फॉलो किया, मैंने मॉर्निंग में भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था, ये कल ही मैंने बताया था कुछ इस तरह से ये पैटर्न चल रहा है, यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ। मैंने बोला था कि कल अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से नीचे जाएगा, तो बराबर यहाँ से वो नीचे तक आए। तो कल अगर गैप डाउन ओपन होता है तो और थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ तक वो आ सकता है वापस 14,000 तक, फिर यहाँ से रिट्रेस करेगा, वेट करना पड़ेगा, मैंने कल ही बोला था। अभी जो क्वेरीज है बाकी लोगों की हम लोग वो भी देख लेते, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने कल ही बहुत एक्सप्लेन कर दिया है डिटेल में, कल का लाइव आप वापस देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है। अभी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट स्टॉप ईकेसी 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 ईकेसी, ये ईकेसी एवरेस्ट कांतो सिलेंडर्स, ये तो सर्किट में खेल रहा है, तो सर्किट में चल रहा है ये स्टॉक्स में, इस पे नहीं एनालिसिस कर सकता हूँ। सॉरी एनएचपीसी, एनएचपीसी लिमिटेड में यहाँ पे फ्लैग बनता हुआ, फ्लैग का ब्रेकआउट के लिए हम लोग वेट कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल पैटर्न है, अच्छे से रिजल्ट देगा, रिजल्ट के वक्त सिर्फ यहाँ पे नोट डाउन करिए कि कुछ ऐसे बड़े वॉल्यूम वाले कैंडल हमें दिखने चाहिए। आफ्टर दैट गोदरेज इंडस्ट्रीज, बहुत बुरी तरह से रिटर्न घूम के आया है। 1 घंटे में इसका ओपन एंड हाई सेम था, तो शायद से इसने सर्किट लिया था। जी बिल्कुल लग रहा है सर्किट लेके फिर वहाँ से रिटर्न प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुका था। वॉल्यूम भी काफ़ी तगड़ा है यहाँ पे, 1.5 मिलियन वॉल्यूम मुझे दिख रहा था। वेट करेंगे, यहाँ पे हैमर बना हुआ है, हैमर के बाद देख सकते हैं क्या हो रहा है, फिर हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए कंसोलिडेशन कितना तगड़ा था, तो कंसोलिडेशन से बाहर पड़ने की जो कोशिश थी वो कितनी पूरी तरह से की गई थी, लगभग इतना पार्ट।
उसके बाद हम लोग देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज आजकल बहुत ठंडा ठंडा चल रहा है। 2000 काफ़ी अच्छे से ये 2200 तक जाके रिटर्न आ चुका है, लेकिन अभी करंटली जो इसमें चल रहा है ये सपोर्ट पे है। सपोर्ट पे मुझे लग रहा है सपोर्ट लेगा, ब्रेकआउट मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से ये ब्रेकआउट लेगा। ये वाला जो जोन है, ये सपोर्ट जोन है, ये ब्रेकआउट की कोशिश करेगा लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से ये ब्रेकआउट कर सकता है। अगर कोई बड़ा अनाउंसमेंट हो जाता है कोरोना से रिलेटेड तब जाके ये ब्रेकआउट दे सकता है। इज इट गुड टाइम टू बाई रिलायंस इंडस्ट्रीज? रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर यहाँ से रिट्रेस होकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यहाँ से अगर थोड़ा सा ऊपर जाएगा 1920 के आसपास से ऊपर तब जाके आप इसको ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है सिंपल लॉजिक है, ये सपोर्ट जोन तो बन चुका है। और साथ में ही मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन की वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगा तब ही आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। सुभाष चंद्र मेहरा सर, निंजा इंडिकेटर आज के बैंक निफ्टी में यूज़ करके दिखाओ ना। यार ये लाइव जो है ये इंडिकेटर से रिलेटेड कोई चीज़ डिस्कस करने के लिए नहीं है एक्चुअली। शेष देशपांडे सर, तुम्हें कैसे? अच्छा, एकदम मजे, तुम्हें सांगा। आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। हम लोग जहाँ पे हैं, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो ये जो नासिक डिस्ट्रिक्ट है ये सबसे बुरी तरह से कंडीशन में था ऑल ओवर इंडिया में। अभी थोड़ा सा सवर रहा है, ऐसा दिख रहा है कंडीशन, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है मास्क रेगुलरली यूज़ करिए, जहाँ पे पॉसिबल है डबल मास्क यूज़ करिए। सबसे बड़ा वही हथियार है हमारे पास, सैनिटाइजर्स भी है, वैक्सीन वैक्सीन जिसको जैसे पॉसिबल, जैसे अपॉइंटमेंट मिलता है लगवा लीजिए। अपने पेरेंट्स को सबसे पहले लगवा लीजिए। नौकरी, शुड आई होल्ड नौकरी? अरे बाप रे, बहुत बुरी तरह नीचे आया है नौकरी। इसमें अभी ये रिटर्न घूम सकता है सर, थोड़ा सा रिटर्न अगर घूमेगा तो अच्छे से रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है। यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ पे टच कर चुका है। ये पीछे भी आप देख सकते हैं, देखिए ये पहले रेजिस्टेंस था फिर सपोर्ट बना। ये रिटर्न घूम सकता है यहाँ से, क्योंकि कंटिन्यूसली सेलिंग चालू है, कंटिन्यूसली सेलिंग चालू। इतना सेलिंग मतलब मुझे नहीं लगता है यहाँ से ये नीचे आ सकता है। देखिए यहाँ पे अगर मैं लगा के दिखाऊँ आपको फिबोनाची, यहाँ से लेके जब यहाँ तक आया था ट्रेंड तक, यानी के बाद इसने रिट्रेस लिया था 0.5% तक, मतलब 50% तक, और यहाँ से वापस वो नीचे आया। तो थोड़ा सा यहाँ से रिटर्न घूम सकता है ऐसा मुझे लगता है, देखते हैं। कितने पे बाई के है वो भी बता दीजिए अरुण देव सर, फिर मैं आपको बता दूँ। जैसे बढ़कर थैंक्स सर, वेलकम सर, जय कदम। स्पार्क में हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ है क्या ऑन 1 वीक टाइम फ्रेम? स्पार्क रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस मेरे को बहुत पसंद है। अगर कोई पहले से एनालिसिस करके आता है और पूछता है, नहीं सर, हाँ ये वाला हेड एंड शोल्डर पैटर्न था एक्चुअली, दिस वॉज देयर, बट ए वीक में ये वाला पैटर्न था, आपने सही कहा, लेकिन वो पैटर्न सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये लाइन ब्रेक नहीं हुआ। ये लाइन अगर ब्रेक होता था तो वो नीचे जाता था, लेकिन ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ से वो उल्टा ऊपर घूम गया। थैंक्स फॉर एनालिसिस ऑन रिलायंस, वेलकम वरुण देव सर, जय कदम। नेकलाइन ब्रेकआउट किया है आई थिंक, आप कौन सा ये वाला बोल रहे हैं? नहीं, ये वाला नहीं हो सकता है सर, इसको हम लोग नहीं कह सकते। आप शायद से इसको कह रहे हैं, ये नहीं हो सकता है। नेक हेड से बड़ा नहीं, शोल्डर हेड से बड़ा नहीं हो सकता। ये हेड है, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है। अगर आपको इन्वर्टेड यहाँ पे चाहिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो समथिंग समथिंग इज एक्सपेक्टेड लाइक दिस। टिल व्हाट लेवल शुड आई होल्ड नौकरी? अरुण देव सर, आपने होल्ड कितने पे किया वो तो बता सकते हैं आप? कितने पे आपने एंट्री लिया भाई, कितने पे किया आपने? आपको इन्वर्टेड अगर हिडन शोल्डर पैटर्न देखना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये 1 वीक पैटर्न है ना, तो यहाँ पे अगर इसको मैं लोअर टाइम फ्रेम पे चेक करूँ तो यहाँ पे मुझे एक हिडन शोल्डर पैटर्न दिखेगा 16 अगस्त के आसपास।
और फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, निफ्टी में बहुत अच्छे से दिख जाता है। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा ये एरर क्या, मतलब किस चीज़ का आवाज़ आ रहा है। आई बॉट नौकरी एट 4591। बॉट अ नौकरी एट 4591। ओके आप होल्ड कर सकते हैं सर, 4800 तक आप आराम से होल्ड कर। सॉरी मैं थोड़ा सा पीछे चला गया था। आप ऑलरेडी मतलब लॉस बेयर कर रहे हैं। हाँ तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि 4300 तक आप होल्ड कर सकते हैं। 4300 के नीचे अगर ये जाता है तो फिर इसके नीचे का स्टॉप लॉस है 4200, उसके नीचे का स्टॉप लॉस डायरेक्टली 401, मतलब 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे है। तो आप 4300 पे वेट करिए, उसके नीचे भी अगर आप वेट कर सकते हो तो 4200 आपका लेवल है, उसके नीचे फिर 4100 आपका लेवल है। और किसी को कुछ क्वेरी है? एक बड़ा अनाउंसमेंट जल्दी ही आने वाला है, एक या दो दिन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। फ्राइडे को वर्किंग सेशन है तो शायद से कल शाम को मैं अनाउंसमेंट कर सकता हूँ। आज तक के यूट्यूब पे का सबसे बड़ा एक मैं कहना चाहूँगा, क्या कह सकते हैं उसे हम लोग, एक मूवमेंट, एक मैंने एक दिमाग में रखा है, जैसे कि मतलब मेरे चैनल का नाम है स्टॉक शिक्षक, तो लोग जो है शिक्षक की नज़र से अगर मेरे पास देखते हैं तो मेरा भी कुछ वहाँ पे बनता है कि मैं शिक्षक के तौर पे लोगों से बिहेव करूँ, मतलब लोगों के साथ कुछ वैसे चीज़ें शेयर करूँ। तो एक जल्दी अनाउंसमेंट, मतलब थोड़ा सा सस्पेंस टाइप है तो इसलिए मैं अभी नहीं ज़्यादा खोल रहा हूँ कुछ, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ है जो अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं हुई है, जो मैं अभी इसके बाद करने वाला हूँ। कल मैं पक्का अनाउंस करने का ट्राई करूँगा, नहीं तो परसों तो पक्का हो ही जाएगा। आई एम करंटली वर्किंग ऑन इट। सतलज, HCL, BASF, टेक्सटाइल। देखिए मैंने लेवल्स बताई थी, ये लेवल के नीचे आ चुका है, 1 आवर कैंडल की वजह से दिख रहा है क्लियरली, ओपन होने के बाद वहाँ से नीचे आ चुका है। अभी वो सपोर्ट पे है माय फ्रेंड, अभी वो प्योर सपोर्ट पे है। यू कैन वेट अनटिल दिस लाइन, इफ इट गोज बिलो 47.47 के नीचे अगर जाता है तो आप उसको डिसीजन ले सकते हैं आपका। कल तो मार्केट क्लोज है राजकिरण मखदूम जी, परसों की बात कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ऐसा कोई बता नहीं सकता कल कौन से स्टॉक्स भाग सकते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो उसके लिए बहुत डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा। आज का वैसे होमवर्क मेरा पेंडिंग है जो कि मैं रात में करूँगा। नवीन फ्लोरिन, नवीन फ्लोरिन ऑलरेडी एक बार मैंने चेक किया है, कब मुझे याद, यह पहले ही ब्रेकआउट दे चुका है जो अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर इसको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना है ऊपर आने के लिए तो ये लाइन के लिए वेट करिए। आप ये लाइन को एज इट इज कॉपी करके रख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे भी। ABSL, रमन भाई पटेल, रमन भाई बहुत दिन बाद आना हो आपका चैनल पे। मखदूम सर मैं आपको कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, आपका ये ABSL हो जाने दीजिए एक बार। जो इसमें है सिंपल डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे एक बार ट्राई किया उसने डाउन ट्रेंड को ब्रेक करने का गैप अप के साथ, लेकिन देखिए ये नीचे देखिए, लेकिन और बुरी तरह नीचे आ चुका है, तो ये लाइन को ब्रेकआउट के लिए वेट करिए। यहाँ पे थोड़ा सा डबल ट्रेंड कुछ केसेस में ऐसा देखने को मिलता है, तो ये लाइन भी आप उसके साथ कंसिडर कर लीजिए। कोई यूनिक स्ट्रेटेजी गिफ्ट कर रहे हो क्या सर?
स्ट्रेटेजी यार क्या होता है, आप गलत रास्ते पे चल रहे हो, मैं कहना चाहूँगा आपको। स्ट्रेटेजी क्या होता है, मतलब अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो आप सिर्फ पर्टिकुलर एरिया पे काम करना चाहते हो तो ये गलत है। मतलब आप एक बहुत बढ़िया क्रिकेट प्लेयर बनना चाहते हो जो अभी आप तक आपने कुछ सीखा नहीं है, और आप किसी कोच के पास जाते हो और आप उसको कहते हो कि सर मुझे 2020 मैच के लिए रेडी करिए, मुझे 2020 मैच के लिए बैट्समैन बनाइए, दिस इज़ नॉट यू शुड डू। आपको जाके कोच को ये बोलना है सर मुझे क्रिकेट खेलना सिखाइए। आपको फील्डर भी बनना पड़ेगा, आपको बॉलर भी बनना पड़ेगा, आपको विकेट कीपर भी बनना पड़ेगा, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ड्रिंक्स पर्सन भी बनना पड़ेगा, तो वो ज़रूरी है। आप ये चीज़ जो है सिलेक्टेड एरिया में काम करने की, ये छोटे सपने मत देखिए सर, थोड़ा सा बड़ा सोचिए। हाँ मकदूम सर, स्टॉक्स कैसा होता है पता है क्या, कि आपको थोड़ा सा मॉनिटर करना पड़ता है, जैसे ये पैटर्न से ना हाई टाइम फ्रेम पे इसको मॉनिटर करना है कि कोई पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है क्या या होने पे है क्या, तो लेवल्स ड्रॉ करिए, उसी के साथ नीचे वॉल्यूम पे भी चेक करते रहिए कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड एक सडनली वॉल्यूम ब्रेकआउट भी दे रहा है और ऊपर कैंडल ब्रेकआउट भी दे रहा है, तो वो स्टॉक्स जब वो कैंडल अगर लास्ट सेशन में है, मतलब वन डे में देख रहा हूँ और आज वैसा कैंडल बन रहा है, या फिर 1 आवर में देख रहा हूँ और 2:30 से 3:30 के बीच में वैसा बन रहा है, तो फिर वो नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ओपन के साथ भाग सकता है, आपके लैंग्वेज में कहूँ तो भाग सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का लाइव मैं यहाँ पे रोक देता हूँ। जो भी आपकी क्वेरीज है कलेक्ट करके रखिएगा, कल हॉलीडे है, कल रमज़ान है, मेरे सारे भाइयों को रमज़ान मुबारक पहले से मैं विश कर देता हूँ एडवांस में। मिलते हैं लाइव में परसों ट्रेडिंग सेशन के बाद, कल मैं वीडियो अनाउंसमेंट की कोशिश कर सकता हूँ। चलिए, शुभ रात्रि, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट।